वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज मैट्रिक्स एंड द लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स 0 1 0 0, इट मीन्स 2x2 ऑर्डर में, और आपको शो दैट करना है ए आई प्लस बी ए द होल पावर इज एन। तो यहाँ पर ए और बी कोई नॉन जीरो नंबर है और जो पावर एन है ये एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और आपको पता है नेचुरल नंबर इट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एन जो रहेगा वो आपका एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए। तो यहाँ पे कैपिटल ए तो आपको गिवन है और कैपिटल आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में रीड किया है, टू प्रूव एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेदर इट इज टू बी करेक्ट और नॉट। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग PMI प्रिंसिपल के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वेदर द स्टेटमेंट होल्ड, कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। यदि ये स्टेटमेंट इक्वल आ जाती है तो हम एक अनदर आर्बिट्री नंबर चूज करेंगे और उसको लेट करके चलेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस नंबर। यदि हम मान के चलते हैं कि वो उस नंबर के लिए ट्रू है तो नेचुरली उससे नेक्स्ट नंबर के लिए भी क्या होगी, वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो ये हमारी, हमें प्रूव करना है, तो इट मीन्स ये हमारी क्या बन गई, एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप कैसे रिटर्न कर देते हो, पी ऑफ एन। तो ये बन गई हमारी एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं अप्लाई PMI प्रिंसिपल। तो यहां पर मैं PMI प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1 और चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो आपको जस्ट क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। तो मैंने देखो यहाँ पे 1 पुट करा, जहाँ मुझे n दिखाई देगा मैं वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 1 प्लस बी ए n है तो पावर क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस n है यहाँ पे 1 a की पावर n को 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। तो यहाँ देखिए इसकी कंप्लीट की पावर 1 है तो आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम नंबर। इसका मतलब हमें रिजल्ट मिल जाएगा ए आई प्लस में बी ए इज इक्वल टू ए की पावर 1 ए देगा आपको इसको प्लस 1 इंटू दिस, आपको आंसर वही मिलेगा ए की पावर, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस 1 0, तो ए की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1, क्या रह गया बी इंटू ए। तो ध्यान से चेक करिए, अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई आपकी, इक्वल आ गई, तो स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप लेट करके चलेंगे कि ये आर्बिट्ररी नंबर के लिए भी ट्रू है। तो कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं, एज्यूम, इसको क्या कहते हैं हम, एज्यूम ट्रू। अब हम मान के चलते हैं कि ये इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, तो पुट करिए n इज इक्वल टू k। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, p ऑफ k कॉलन, अब यहाँ पे क्या आएगा, a आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस b a टू द होल पावर n, और n को हमने क्या लेट करा है, k। यहाँ पर देखिए इक्वल टू a पावर k आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस यहाँ भी n आ गया, तो यहाँ भी k इंटू ए एन आ गया, यहाँ पर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए।
तो हमने स्टेटमेंट को क्या करा है, लेट करा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और सेकंड स्टेप में जब आप एज्यूम करते हो तो उसको रेक्टेंगल में डाल दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे आगे, तो इस स्टेटमेंट को हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, इसको सेव कर लिया। तो आप देखिए, तो हम मान के चलते हैं कि जब ये के स्टेटमेंट के लिए ट्रू है तो उससे जो नेक्स्ट वन के लिए होगा नंबर, उसके लिए भी क्या होगी, ये ऑब्वियसली ट्रू होगी। देखिए अगेन सुनिए, यदि कोई स्टेटमेंट वन के लिए ट्रू है, तो हमने माना कि ये के स्टेटमेंट के लिए भी ट्रू है, तो उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। तो अब आपको करना होता है, ये आपका था स्टेप वन, दिस वन इज स्टेप टू, अब आपको अप्लाई करना है स्टेप थ्री। सो लिखिए, तो अब पुट करिए n इज इक्वल टू के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो ये इस स्टेटमेंट के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी ही होगी। तो अब आपको पुट क्या करना है स्टेटमेंट में, जहां भी n दिखे वहां पर k प्लस वन। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, a i प्लस b a टू द होल पावर n है, n को क्या पुट करना है, k प्लस वन इज इक्वल टू a की पावर k प्लस वन हो गई इन टू आई प्लस, फिर n आ गया, n को क्या पुट करोगे आप, k प्लस वन इन टू ए। अब यहाँ देखिए, n को जब मैं k प्लस वन पुट करूँगा और माइनस में वन है, तो वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, a की पावर k इन टू बी इन टू ए। तो अब ये आपका थर्ड स्टेप है, अब इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है देन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ, अदरवाइज नॉट। इसका मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और इसको सोल्व करके हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए जो मैंने यहाँ रेक्टेंगल में पी ऑफ के स्टेटमेंट लिखी है इसको यूज करूंगा, तभी ये स्टेटमेंट राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल प्रूव होगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, अब हम नेक्स्ट स्टेप को प्रूव करेंगे, तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, मैंने यहां से रब कर दिया, यहां पे लिख दिया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ये हमारा सेकंड स्टेप से जो आया था, जो मैंने रेक्टेंगल में मार्क किया था, अब इसको यूज करना है। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते करते हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, ए आई प्लस बी ए की होल पावर के प्लस वन। अब देखिए यहां पर के प्लस वन है और आपको पता है x की पावर k इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर k प्लस वन, क्योंकि इसकी पावर डिफाइंड नहीं है तो आप क्या मानेंगे, वन, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यदि आपका ये फॉर्मेट हो तो आप इसको अलग अलग बेस करके भी लिख सकते हैं, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको क्या लिखूँगा मैं, ए आई प्लस बी ए की होल पावर के मल्टीप्लाई, बेस अलग कर दिया मैंने, ए आई प्लस बी ए की होल पावर वन। और देखिए यहाँ से यही आपकी जो रेक्टेंगल में है यही इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड की, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, दिस वन। तो मैं आप इसको रिप्लेस करके ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए, और जो ये वैल्यूज है वो एज इट इज लिख रहा हूँ, ए आई प्लस बी ए। आप जस्ट डू मल्टीप्लाई, तो पहले मैं फर्स्ट नंबर इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से मुझे, ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी इंटू ए, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ पहले मैं, ए आई से, अब प्लस अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसकी इस कंप्लीट से, ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए के माइनस वन बी इंटू ए बी ए। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लीजिए, ये तो मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ, बिकॉज
यदि कहीं पर आई इंटू आई आ जाए वो आपको आई ही देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। सेकेंड चीज, यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन यू गेट द सेम मैट्रिक्स, आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। और यदि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। इट मीन्स आई इंटू ए करो या ए इंटू आई, आपको आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अब यूज़ करूँगा, तो प्लीज़ मेक अ नोट, नोट कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, तो ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो क्या बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर विल बी एड के प्लस वन, और यहाँ क्या बन जाएगा, आई इंटू आई, आई इंटू आई प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा के, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर कितनी है वन, तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको ए की पावर के, क्या रह गया बी इंटू ए और इंटू में आई, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करिए। अब बी ए की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सभी टर्म्स डिफरेंट हैं तो ये टर्म आपको एज इट इज मिल जाएगी, ए के आई मल्टीप्लाई बी ए से। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस के एज इट इज, ए की पावर के माइनस वन एज इट इज, ये भी बी ए ये भी बी ए, तो बी इंटू बी क्या बन जाएगा बी स्क्वेयर, और ए इंटू ए क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर। अब रिजल्ट आ गया आपका ये, अब हम सोल्व करेंगे ए स्क्वेयर। अब आपको पता है ए मैट्रिक्स आपकी क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ही हमारी 0 1 0 0, तो मैं यहां पर फाइंड आउट करने जा रहा हूं ए स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, पहले फर्स्ट को मैं लॉक करता हूं, रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। अब सेकेंड कॉलम से करूंगा 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। अब मैं सेकेंड को फिक्स करता हूं, अब फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी, जीरो मैट्रिक्स। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 0। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं इसको यहीं पर रब कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको ये फेयर नोटबुक पे लिखना है ये, तो मैं अब इसको रब कर रहा हूं। अब यहां पे सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यहां देखिए ए की पावर के प्लस वन, अब i इंटू आई क्या होता है, i होता है, तो मैं इसको i लिख सकता हूं, प्लस k इंटू ए की पावर k। अब यहां देखिए ba मेरी एक सिंगल मैट्रिक्स मान लीजिए, अब मैं ba मैट्रिक्स को i मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वही मिलता है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ba प्लस a की पावर k। अगेन देखो अभी भी बी ए मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स मिलेगी, तो यहां भी आपको क्या मिलेगा, बी ए प्लस। अब आपको पता है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब आगे देखिए ए की पावर के प्लस वन, चलिए मैं इसको ऊपर करूंगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, वैसे तो एक ही स्टेप रह गया, आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखिए कितना है, a की पावर k प्लस वन इंटू आई प्लस, अब यहां से और यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यस यहां भी बी ए है और यहाँ भी बी ए है, दोनों साइड बी ए और ए की पावर के भी है और ए की पावर के भी है,
तो से कॉमन क्या आ गया हमारा, a की पावर k मल्टीप्लाई बी ए, तो यहाँ से क्या रह गया k, और यहाँ से क्या रह गया 1। अब कंपेयर करिए, देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड। a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, यस हो गया, प्लस k प्लस 1, k प्लस 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई a की पावर k b इंटू ए। इसका मतलब क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड, तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड PMI नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैं भी उनको भी सॉल्व करूंगा, तो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। तो इसको वीडियो को थोड़े टाइम के लिए पॉज करिए और ट्राई टू डू सॉल्व इट योरसेल्फ, अपने आप सॉल्व करके देखिए, नहीं सॉल्व होता तो वीडियो को ऑन करिए और चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट आया या इनकरेक्ट आया। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ए आपको मैट्रिक्स गिवन है और ए एन दिस आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगेन बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप करेंगे, तो पहला तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन PMI। तो लेट कर किसके लिए करते हैं, सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1 और चेक करेंगे कि स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये हमारी स्टेटमेंट है p ऑफ n, तो अब मैं p ऑफ n को क्या पुट कर रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू a पावर क्या हो गई 1 इज इक्वल टू 3 और n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो सभी जगह देखो बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट है, तो यहाँ भी 0 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 दिस वन 0 0। अब देखिए किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 3 की पावर 0 क्या हो गया 1, तो सभी एलिमेंट क्या बन गए आपके 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a, और a क्या था आपका 1 1 1, मीन्स ये किसके इक्वल आ गया a के। तो हमारी जो p ऑफ 1 है n इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम अब क्या करेंगे, एक आर्बिट्री नंबर चूज करेंगे। तो स्टेप टू में क्या करते थे, पुट n इज इक्वल टू k और ये क्या होता है हमारा एज्यूम ट्रू, तो हमने इसको ट्रू लेट किया है। तो अब क्या करना है आपको, पुट करना है n इज इक्वल टू k, तो ये बन जाएगा n को पुट करा k इज इक्वल टू a की पावर n था k पुट कर दिया, यहाँ पर n को क्या पुट करना है k, तो सभी एलिमेंट सेम है तो इसको लिख लीजिए k माइनस 1 3 की पावर 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 k माइनस 1। ये क्या आ गया अब हमारा एज्यूम ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, और स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, पुट करना है, स्टेप 3 पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दिस। तो हमें यह प्रूव करना है, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको जहां पर आपका n है वहां पर क्या पुट करोगे k प्लस 1, ये स्टेप 3। और ये जो स्टेटमेंट है अगेन मैं रेक्टेंगल में डाल देता हूं जिसका यूज होगा ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का अगेन आपको यूज करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब आपको क्या करना है, अपने को n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है। स्टेटमेंट आपको याद है, स्टेटमेंट क्या थी, p ऑफ n, अब n को क्या पुट कर देंगे हम k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था a की पावर n, तो n को पुट कर दिया हमने k प्लस 1
और मैट्रिसेस में एलिमेंट क्या आते हैं, 3 की पावर n माइनस 1। तो स्टेटमेंट यही थी ना, 3 की पावर n माइनस 1 सभी एलिमेंट। अब n को पुट करेंगे k प्लस 1। तो देखिए ध्यान से, 3 की पावर k प्लस 1 और फिर क्या है, माइनस 1। तो यहां देखिए 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा, सिर्फ 3 की पावर k। इसका मतलब जो आपकी राइट हैंड साइड बनेगी उसके सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 3 की पावर k। तो मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूं, तो ये भी क्या बन जाएगा, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सभी एलिमेंट्स आपके बन जाएंगे 3 की पावर k। तो ये क्या बन गई आपकी राइट हैंड साइड। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो ये है इसको यूज करना है और आपको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल आ जाता है, इस मैट्रिक्स के। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी a की पावर k प्लस 1। इसको बेस अलग कर लो इसको, तो क्या लिखोगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होके क्या बनेगा, यही बनेगा। अब a की पावर k रेक्टेंगल में देखो क्या लिखा हुआ है, a की पावर k किसके इक्वल है, दिस वन। तो इसको पुट करिए, 3 की पावर k माइनस 1, सभी एलिमेंट सेम है, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिख लीजिए। अब इनटू में क्या है, a, और a आपको पता है क्या था, 3 की पावर n माइनस 1 था a, सॉरी a क्या था, सारे एलिमेंट 1 1, a तो हमारा ये था 1 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 1। अब आपने a मैट्रिक्स को भी पुट कर दिया, बस अब इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर ये प्रूव करना है। तो इसको सोल्व करते करते आपने ये टर्म्स ले आए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो मैं इसको रब कर देता हूं अब यहां से, सिंपल सी मल्टीप्लाई करिए। अब फर्स्ट रो को हम लॉक कर रहा हूं मैं, इसको लॉक कर दिया, और फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड से फिर थर्ड से, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम ही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1, प्लस सेकंड एलिमेंट के सेकंड से करेंगे अगेन 1, सेम टर्म आएगी, थर्ड एलिमेंट से करेंगे ये भी 1, इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट क्या आएंगे, सेम। तो जैसे ही ये आपका एलिमेंट आया, सिमिलरली सभी एलिमेंट आएंगे। तो मैं इसको एजिटिव लिख देता हूँ, सेकंड एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, यही प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट भी, और ऐसे ही आपकी बिल, आपको पता है ये किसका है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की, दोनों का बैलेंसिंग है, तो आंसर कितने का आएगा, 3x3 ऑर्डर। तो यही एलिमेंट आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलते जाएंगे। थ्री की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे थर्ड कॉलम भी, अब आपको ध्यान से देखना है, देखिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ए प्लस ए प्लस ए, ए कितनी बार आया, 3 टाइम्स मैं बात कर रहा हूँ, ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या बन गया, 3 है। तो देखो ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म सेम है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं यही चीज यूज कर रहा हूँ, दिस बिकम्स 3 इंटू ए, क्या बन जाएगा आपका ये कंप्लीट टर्म, 3 की पावर k माइनस 1, तीनों को ऐड कर दिया, ऐसे ही सभी टर्म बन जाएगी आपकी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, सेम टू सेम।
आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए इसको। अब मैं इस पार्ट को रब करूंगा और आपको माइंड में याद रखना है यहां पर क्या आना चाहिए, 3 की पावर k, सभी एलिमेंट आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने देखो क्या करा है। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, 3k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। देखो ये टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको मैं ये बस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कितनी बार आया, 3, और नंबर क्या है 1, तो 3 × 1 क्या आएगा 3, इसको ऐड करके देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3। तो इसी टाइप से देखो ये 3, ये भी सेम टू सेम है, तो मैंने क्या लिखा 3, और हमारा नंबर क्या है 3 की पावर k-1। अब ध्यान से देखिए ये भी 3 है, ये भी 3, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या है इसकी 1 है, और जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, ये जब बेस सेम होता है तो पावर विल बी एड, तो ये 3 की पावर क्या बन जाएगा 1 प्लस k-1। अब ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो कट गया, क्या रह गया 3 की पावर k। तो इसका मतलब क्या आ गया, अब आपके सभी एलिमेंट तो अब ये सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे आपके 3 की पावर k। और ध्यान से देखिए यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वल टू RHS आ गई, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। तो इन्हीं 3 स्टेप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए PMI बेस्ड, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको यही प्रूव करना है, वही सेम टू सेम स्टेप्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉल्व यूजिंग PMI प्रिंसिपल, तो PMI प्रिंसिपल का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो हमारी स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है P(n), n को क्या पुट करा हमने 1, यहाँ भी n है, तो a की पावर क्या बन गई 1 इक्वल टू 1 प्लस n को 1 पुट करेंगे क्या बनेगा 2, ये 1, ये माइनस के 4 और ये 1 माइनस के 2, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 4 और माइनस 1। ध्यान से देखिए 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ये तो क्या बन गया आपका a बन गया, और ये भी a है, a की पावर 1 क्या होता है a, इसका मतलब क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2, अब पुट क्या करोगे, n इज इक्वल टू k, इसको क्या मानते हैं हम, एज्यूम ट्रू, कि ये इसके लिए ट्रू है। तो अब देखिए स्टेटमेंट है, n को क्या पुट करना है k, तो n इज इक्वल टू k, यहाँ a और पावर क्या आ जाएगी k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 n है, तो ये 2k बन जाएगा, ये n है, ये k बन जाएगा, ये माइनस के 4k बन जाएगा, और ये 1 माइनस में 2k। अब आपको पता है सेकेंड को मैं क्या करता हूँ, हमेशा रेक्टेंगल में डालता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे, इसको मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप 3, अब आपको क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 और 2 प्रूव, और इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है, तो पुट करिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल टू क्या है, a की पावर n, और n को पुट करना है k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 n है k प्लस 1, यहाँ पर n है k प्लस 1, माइनस के 4 n है k प्लस 1, यहाँ पर 1 माइनस में 2 n है k प्लस 1, इसका मतलब दिस इज व्हाट, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना और इक्वल टू क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। हमारी LHS क्या है, a की पावर k प्लस 1, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ,
ए की पावर के इंटू ए की पावर वन, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, और यही से टर्म आएगी। अब देखो ए की पावर के, रेक्टेंगल वाला को यूज करना है, ए की पावर के किसके इक्वल है दिस, तो मैं इसको क्या लिखूँ ए की पावर के को, वन प्लस टू के, ये के हो जाएगा सॉरी, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है माइनस फोर के और वन माइनस टू के, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए की पावर वन, ए की पावर वन क्या होता है ए, और ए आपको गिवन है थ्री माइनस फोर वन और माइनस वन। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको इसके इक्वल प्रूव कर दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूव। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आपको कब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लीकेशन यदि इसके इक्वल आ जाता है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लॉक कर देते हैं, तो फर्स्ट वन प्लस टू के की मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो क्या बनेगा थ्री इंटू वन थ्री, प्लस थ्री इंटू टू के सिक्स के, फिर आप सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड से करेंगे माइनस फोर के इंटू वन माइनस के फोर के। अब सेकेंड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स माइनस फोर से, माइनस फोर इंटू वन माइनस के फोर, माइनस फोर इंटू टू के माइनस के एट के। अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से माइनस फोर के को माइनस वन से करेंगे तो प्लस के फोर के। अब फिक्स कर दीजिए सेकेंड रो को, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से तो के इंटू थ्री थ्री के, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से वन से करने से सेम आंसर आ जाएगा वन माइनस में टू के। अब सेकेंड कॉलम से करिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेंगे तो माइनस के फोर के, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस का वन प्लस के टू के। अब आपको आपको राइट हैंड साइड को देखना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा थ्री प्लस टू के, ये बन जाएगा थ्री के माइनस टू के प्लस वन, एंड दिस बिकम्स माइनस फोर माइनस एट प्लस में फोर के तो माइनस के फोर के, माइनस फोर के और प्लस टू के तो माइनस के टू के माइनस के वन। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, आप देखिए यहाँ पे टू के प्लस वन चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप देखो यहाँ से वन प्लस टू इंटू के टू के और टू इंटू वन टू, इसका मतलब ये 1 प्लस टू कितना बन गया 3। तो यस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या तो इसको सोल्व कर लीजिए, मैं इसी को सोल्व कर देता हूँ बल्कि आसान रहेगा आपका, दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और मैं इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप एक स्टेप यहीं पे बढ़ा देना इंक्रीज कर देना, तो ये क्या बन जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k प्लस 3 बन जाएगा, ये k प्लस 1 ऑलरेडी है, ये बन जाएगा आपका माइनस फोर के माइनस फोर, और ये बन जाएगा आपका माइनस टू के और माइनस टू और वन तो प्लस के वन सॉरी माइनस के वन। अब ध्यान से चेक करिए, इसी को मैंने सोल्व कराया कि तो ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, टू के प्लस थ्री टू के प्लस थ्री, के प्लस वन माइनस फोर के, ये भी सेम है माइनस टू के, इसका मतलब क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी, तो प्लीज टेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, ये एक्सरसाइज 3.3 का एमसीक्यू था, बिल्कुल सेम टू सेम, वहाँ पे आपको फोर ऑप्शन दिए थे कि क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, तो आपका आंसर क्या आया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर क्या क्या आ गया कि प्रूव करिए, इट मीन्स आपको करना तो वही है, मैं अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले देखिए, कहा ए एंड बी आर सिमेट्रिक, और आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, ए आई जे यदि कोई मैट्रिक्स मैट्रिक्स है तो उसको ट्रांसपोज कर दो, इट मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में, तो जो आई होता है ये रो होता है और जे जो होता है ये कॉलम होता है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा ए जे आई। इसको और आसान लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा,
एक इक्वल आएगा। सिमिलरली यदि हम बी आई जे की बात करें और इसको ट्रांसपोज कर दें बी जे आई, तो क्या रिजल्ट आएगा? वही सेम टू सेम आएगा। इसको भी आसान लैंग्वेज में लिख देता हूँ, यदि बी का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? बी। यही कंडीशन होती है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने ए का ट्रांसपोज किया और मुझे वापस से ए ही मिल गया, तो ये सिमेट्रिक है। बी का ट्रांसपोज किया और मुझे बी मिल गया, तो ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। अब आपको प्रूव करना है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखा, ध्यान दीजिए, ए बी माइनस बी ए, ये टर्म दी गई है। मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ। आपको पता है यदि हाँ दो एलिमेंट्स हैं और वो दो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में है, या दो मैट्रिक्स हैं और वो सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में है, और कंप्लीट का ट्रांसपोज करते हो, जो हमने वेरिफिकेशन में क्वेश्चन किए थे, तो आपको पता है वो अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, आपको याद हो तो, बिकॉज ए प्लस बी का ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करने से आपका क्या आंसर आता है? ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज प्लस माइनस, जो भी साइन होगा वो एज इट इज आएगा और दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। फिर एक ये प्रॉपर्टी भी थी कि आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो मल्टीप्लाई में, तो उनका ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज। तो क्या बन जाएगा? ये बी और ये ए, और दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज। तो यही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखिए, ए बी कंप्लीट का ट्रांसपोज है ये, और ये बी ए का कंप्लीट का ट्रांसपोज है। तो अब इनका ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा, ये बी बन जाएगा और ये ए, दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग। इसी टाइप से ये इनका भी ऑर्डर चेंज हो गया, ए और बी दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग। अब आपको पता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज, आप डैश से भी लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डैश। तो मैं यहाँ डैश ही लिख देता हूँ। ट्रांसपोज आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं मिलता, आपको डैश से मिलता है, तो पजल मत होइएगा इसमें। तो अब देखिए, बी के ट्रांसपोज को मैं बी लिख सकता हूँ और ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकता हूँ। ऐसे ही ए के ट्रांसपोज को ए और बी के ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूँ? बी लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये बी ए तो सेकेंड नंबर पर था, तो मैं इसको नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी माइनस में बी ए, क्योंकि जब नेगेटिव सोल्व करूंगा तो ये माइनस का ए बी बन जाएगा, सेम है, और ये माइनस माइनस करके प्लस का बी ए, सेम है। अब ध्यान से देखिए इसको और इसको, ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स मिल गई, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया, तो हैंस प्रूव इट इज बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन थी? कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए लेकिन उसके साइन क्या हो जाए? अपोजिट। तो यहां देखिए, वही मैट्रिक्स मिल गई ए बी माइनस बी ए, लेकिन नेगेटिव होने के कारण उसके एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। इसलिए हेंस प्रूव, तो हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन कि ये मैट्रिक्स क्या है? आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपको ये पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी प्रूफ करो, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी प्रूफ करो। कब? यदि ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इसके दो केसेस बनेंगे। केस वन, एज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड केस, केस सेकेंड, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो
क्या कंडीशन होती है कि उसका ट्रांसपोज करने से आपको वही एलिमेंट मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है। और स्क्यूज मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाती है बट अपोजिट इन साइन, तो उसके एलिमेंट के साइन क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो अब इन दोनों केस को आपको प्रूफ करना है। अब हमने यहाँ सिमेट्रिक मानना है तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, और हमने यहाँ पे ए को क्या माना है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन था बी डैश ए बी। तो सबसे पहले मैं इसको सिमेट्रिक प्रूफ करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, और आप देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको एक सिंगल मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ए बी को अलग मान लेता हूँ, बी को अलग मान लेता हूँ, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता है। अभी दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप देखिए जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बी फर्स्ट आ जाएगा और बी डैश बाद में आ जाएगा। अब दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग, इसका ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज, और आपको पता है ये भी पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यदि किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मैट्रिक्स बन जाती है सेम टू सेम। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, अब यहाँ पर मैं फिर से देखो, फिर ए बी मल्टीप्लाई में है तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या बन गया आपका इसके अकॉर्डिंग सेम बी। अब देखिए आपको इसमें चेंज करना है, बी ट्रांसपोज ऑलरेडी मिल गया, अब ए आना चाहिए, और आपको ये पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये तो गिवन है, गिवन है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी, ये रिजल्ट आ गया। और ध्यान से देखिए, और इसको ब्रैकेट में लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नो। इसका मतलब देखिए क्या चीज़ आ गई, सेम टू सेम एस बी ट्रांसपोज ए बी का कंप्लीट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी के सेम आ गया। तो हैंस प्रूव, तो क्या प्रूव हो गया कि ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से हमें यही मैट्रिक्स मिल गई, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करते हैं। अब आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज ए बी को आपको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं एज, अब इस पर फिर अप्लाई कर रहा हूँ, ए बी को मैं फिर से एक मैट्रिक्स अलग मान लेता हूँ, अब इस कंप्लीट का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम। अब एज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव ए के, तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपकी, बी ट्रांसपोज माइनस ए और ये बी। अब इस नेगेटिव को मैं बाहर ले सकता हूँ, ये नेगेटिव बाहर आ गया तो क्या बन गया, बी ट्रांसपोज ए बी। अब ध्यान से देखिए, बी ट्रांसपोज ए बी, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी, कोई फर्क पड़ेगा उससे, नो। इसका मतलब यही मैट्रिक्स दोबारा से बन गई और उसका साइन क्या हो गया, चेंज, और चेंज होने से वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या आ गया, एज बी ट्रांसपोज ए बी का कंप्लीट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसकी कंडीशन होती है, दिस वन इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। तो इस टाइप से दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, बस आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड एक्स वाई जेड आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन तो ये मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब यहां से ही आपको क्या मिलेगा रिजल्ट क्यों क्योंकि बीच में क्या गिवन है इक्वल तो यहाँ इक्वेटिंग ऑफ अ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पुट करिए यहाँ क्या है ए डैश ए डैश का मतलब क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए दिस वन इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना दीजिए इसको थर्ड रो थर्ड कॉलम अब पुट करिए ए डैश आ गया आपका 0 2y z x y minus z x minus y z एंड ए इज व्हाट 0 x x 2y y minus y z minus z and z अब आपको क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई करिए पहले हम फर्स्ट रो को लॉक कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 × 0 0 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से x × x x² फर्स्ट कॉलम कंप्लीट अब सेकेंड कॉलम से 0 × 2y 0 x × y xy x × -y −xy अब थर्ड कॉलम से 0 × z 0 x × −z − xz x × z + xz तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट अब सेकेंड रो को लॉक करिए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए 2y × 0 0 y × x xy − y × x − xy सेकेंड कॉलम से करते हैं 2y × 2y 4y² y × y y² − y × −y + y² थर्ड कॉलम से 2y × z 2yz y × −z − yz − y × z − yz अब थर्ड रो को लॉक करिए फर्स्ट कॉलम से z × 0 0 − z × x − xz z × x + xz अब सेकेंड कॉलम से z × 2y 2yz − z × y − zy z × −y − zy थर्ड से करिए z × z z² − z × −z z² z × z z² तो ध्यान से देखिए मोस्ट ऑफ द टर्म्स यहां पर कट रही है कैसे कट रही है देखिए ध्यान से ये प्लस का एक्स वाई ये माइनस का एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया ये माइनस का एक्स जेड ये प्लस का एक्स जेड ये भी कैंसिल आउट हो गया देखो माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड और ये टू वाई जेड इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट यहां देखिए −z y − z y माइनस के 2z y और ये 2z y है इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया यहां देखिए प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई ये भी कैंसिल आउट माइनस का एक्स जेड ये एक्स जेड ये भी कैंसिल आउट इसका मतलब ओनली डायगोनल एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो आ रहे हैं बाकी सारे क्या आ रहे हैं जीरो पुट करिए यहां पर यहां से x² क्या बन गया 2x² और ये भी जीरो ये भी जीरो ये जीरो 4 1 और 1 कितना बन गया 6y² ये क्या बन गया जीरो अब यहां देखिए जीरो जीरो और ये क्या है z तो कितना बन गया 3z² तो ये तो क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अब क्या करेंगे इक्वेटिंग अब हम करते हैं क्या इक्वेटिंग ध्यान से देखिए इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एलिमेंट है 1 इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या मिल गया आपको 2x² = 1 यहां से कंपेयर करिए यहां भी इक्वल टू 1 है इसका मतलब 6y² = 1 थर्ड को कंपेयर करिए 3z² किसके इक्वेट है 1 3z² = 1 इसका मतलब क्या आ गया x² = 1/2 तो x की वैल्यू ±1/√2 इसी टाइप से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ±1/√6
और z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। तो दिस वन आर योर आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपको बताना है कि किस वैल्यू ऑफ x पर दिस मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल टू 0। 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स के इक्वल बन जाए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 रो है और 3 कॉलम, तो 1 × 3। और ये कितनी है, 3 × 3, और ये 3 रो एंड 1 कॉलम। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 3 3 इक्वल है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 × 3, मतलब 1 रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे। तो करिए मल्टीप्लाई, सबसे पहले फर्स्ट रो को लॉक करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 4, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 1। अब सेकेंड कॉलम से करिए, 1 × 2 2, 2 × 0 0, 1 × 0 0, थर्ड से करिए, 1 × 0 0, 2 × 1 2, एंड 1 × 2 2। कंप्लीट हो गया, क्यों, क्योंकि ऑर्डर आपको पता था। इसको थोड़ा और लिख लीजिए एज इट इज, ये 0, ये 2, ये x एज इट इज। तो ये क्या बन गया, 1 + 4 + 1 6, ये 2 और ये 4। तो इसका ऑर्डर अगेन देख लीजिए, कितना आना चाहिए था, 1 × 3। तो आंसर भी कितना आया, 1 × 3 ये आया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, 0 2 x, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 1। इसका मतलब क्या आएगा, 3 3 बैलेंस हो गया, तो आंसर आएगा 1 × 1। इसका मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम, ओनली सिंगल एलिमेंट आएगा, और ये इक्वल टू क्या है, 0। करिए मल्टीप्लाई, इसको लॉक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 0 0, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 2 × 2 4, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 4 × x 4x, इक्वल टू क्या है, 0। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, तो 4 + 4x किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी -4 − 4/4 क्या आ गया, -1। तो आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1। दिस वन इज द आंसर, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और शो दैट करना है दिस इक्वल टू 0। इट्स वेरी सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो, जब ए स्क्वेयर आता है, ए क्यूब आता है, तो पहले आप उसको सोल्व करते हो। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वेयर को सोल्व करता हूँ। ए स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए। तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, 3 − 1 1 2, अगेन ए, 3 1 − 1 2। अब मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट को लॉक कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से तो 9, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से -1। अब सेकेंड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 3, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो 2। अब सेकेंड रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, अब सेकेंड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेंगे तो -1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से करेंगे तो 4। इसका मतलब आंसर कितना मिल गया यहाँ पे, 9 − 1 8, माइनस के 5 5, और प्लस के 3। यदि कोई मल्टीप्लाई में गलती होगी तो यहाँ हम चेक कर लेंगे, इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, तो उस केस में हम फिर दोबारा से चेक करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, अदरवाइज कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब यहाँ पुट करिए, ए स्क्वेयर माइनस में 5 × a प्लस में 7 × i। ए स्क्वेयर की मैट्रिक्स आ गई आपकी 8 − 5 5 3, −5 × a, ए ये आपको गिवन है 3 − 1 1 2, प्लस 7 × i, i क्या है, 1 0 0 1। अब इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व, ये मैट्रिक्स एज इट इज 8 5 − 5 3, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 15 5 − 5 10, प्लस 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 0 0 7। अब इसको सोल्व करिए, ये 8 − 15 + 7, फर्स्ट काउंट करा, अब सेकेंड 5 − 5 + 0, अब थर्ड
माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव और प्लस ज़ीरो, अब था फोर्थ थ्री माइनस टेन प्लस सेवन। इसका मतलब देखिए ध्यान से, ये एट और सेवन कितना बन गया, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, ये माइनस का फाइव और ये प्लस का फाइव, ये फाइव माइनस फाइव ज़ीरो और सेवन प्लस थ्री टेन माइनस टेन। तो देखो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन ज़ीरो, माइनस फाइव प्लस फाइव ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, टेन माइनस टेन ये भी ज़ीरो। इसका मतलब ये इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया और यही आपका था क्या था, आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था ये बिल्कुल। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट करना है। अगेन दीज थ्री मैट्रिक्स है और इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर ऑब्टेन करना है। वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सेवन। तो देखिए ये इसका ऑर्डर कितना है, हाँ सॉरी, वन इंटू थ्री, वन रो है थ्री कॉलम, इसका ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, इसका ऑर्डर थ्री रो एंड वन कॉलम। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा, वन इंटू थ्री, मतलब वन रो आएगी और थ्री कॉलम, इसी टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। तो करिए सबसे पहले इसको लॉक करेंगे, यहाँ पर एक ही रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से एक्स इंटू वन एक्स, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से ज़ीरो, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, अब सेकेंड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेंगे ज़ीरो, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से करेंगे माइनस के टेन, थर्ड एलिमेंट थर्ड से करेंगे ज़ीरो, थर्ड कॉलम से करिए अब, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेंगे तो टू एक्स, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से करेंगे तो वन, सॉरी वन फाइव, माइनस फाइव इंटू वन क्या आएगा, माइनस के फाइव, एंड माइनस वन इंटू थ्री माइनस के थ्री। और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ एक्स फोर वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बन गया आपका, x माइनस टू, दिस बिकम्स माइनस टेन और दिस बिकम्स टू एक्स माइनस एट, और ये बन गया आपका x फोर वन। अगेन जो ऑर्डर है इसका कितना है, वन इंटू थ्री, और इसका ऑर्डर थ्री इंटू वन, सेम है। तो आंसर कितना आएगा, ओनली वन इंटू वन, इसका मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा। करिए इसको लॉक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, क्या वैल्यू बन जाएगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और x इंटू टू माइनस के टू एक्स। अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस के फोर्टी। अब थर्ड एलिमेंट थर्ड से होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, टू एक्स माइनस एट इक्वल टू क्या है आपका, सॉरी सॉरी गलती कर दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स की मल्टीप्लाई करनी है एक्स माइनस टू से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में टू एक्स प्लस। अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से माइनस के फोर्टी प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से टू एक्स माइनस एट इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। इसको सोल्व करिए, ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वेयर माइनस के टू एक्स, देखिए माइनस का टू एक्स और ये प्लस का टू एक्स कैंसिल आउट, माइनस के फोर्टी और माइनस के एट, तो माइनस के फोर्टी एट इक्वल टू ज़ीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब इक्वेट करेंगे इसको, क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस में फोर्टी एट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर्टी एट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट फोर्टी एट। इसको और शॉर्ट करके लिखना चाहते हो तो फोर इंटू सॉरी सिक्सटीन इंटू थ्री लिख सकते हैं, और रूट में क्या आएगी, प्लस माइनस, सिक्सटीन का रूट क्या होता है, फोर, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस फोर रूट थ्री। तो दिस वन इज द आंसर। तो वी डन द क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर नाइन, अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है 16 तक, तो वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट टू। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।